अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके अपने इजी कुकिंग शो के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। आज हम मुर्ग चना बनाएंगे, जिसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं: मुर्गी आधा किलो, प्याज बड़े साइज़ की 3 अदद, धनिया आधी गड्ढी, 1 पाव दही, आधी प्याली हमने सफ़ेद चने लिए हैं, ये बॉयल चने, तेल आधी प्याली, लहसुन अदरक का पेस्ट, दोनों एक साथ पेस्ट बनाए हैं, ये 2 खाने के चम्मच, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 खाने का चम्मच नमक, ये अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, 1 हरी मिर्च को हमने चॉप कर दिया है जो मिक्स होगी सालन में, और 2 हमने मिर्चें साथते रखी हैं जो गार्निश में इस्तेमाल होगी, 1 छोटी चाय की चम्मच गरम मसाला जो लास्ट में इस्तेमाल होगा, और आधी धनिया की गड्ढी जो आखिर में डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तेल गरम करेंगे, इनमें आधी प्याली तेल की डाली, तेल गरम कर रहे हैं, इसमें हमने 3 बड़ी प्याज लिए है जिसे हम फ्राई करेंगे। ऑयल आपको कम लगे तो आप ऑयल और भी डाल सकते हैं, नाम से फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे हम। इसके अंदर मुर्गी डालेंगे आधा किलो, प्याज ब्राउन हो चुकी है, इसको हमें भूनना है चिकन को प्याज के अंदर। जब मुर्गी का ऐसा कलर हो जाए तो इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और तमाम मसाले डालेंगे, थोड़ा सा इसको भी इसके साथ भूनें, इसमें हम नमक हल्दी धनिया पाउडर और लाल मिर्ची तीखे डाल देंगे अच्छी तरह, नमक और लाल इसके साथ डाल सकते हैं, ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर लें, कम करना चाहें कम कर लें। ये अब इसमें हम दही डालेंगे, हमने 1 पाव दही ली थी, सारी दही डाल दी इसमें, इसे हम मिक्स करेंगे। ये देखें इसने दही ने अपना पानी छोड़ दिया, चिकन ने भी छोड़ा, ये हरी मिर्चें हमने 1 काट के रखी थी, ये हम सारी इसमें डाल देंगे। इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी में चिकन गल जाएगी, चिकन का अपना पानी भी होगा, तो आप इसको अब ढक के रखते हैं जब तक चिकन गलती है। अच्छा, वैसे तो चिकन इसी दही और मुर्गी का जो पानी होता है उससे गल जाएगी, अगर ना गले तो आप आधा कप पानी डाल के इसको गला लीजिएगा। बस हमने चिकन गलानी है और लास्ट में हम चने डालेंगे और थोड़ा उसको भूनेंगे और उसके बाद गार्निश कर देंगे हरा धनिया और हरी मिर्च और गरम मसाले। अब हम इसको ढक के रखते हैं ताकि चिकन गल जाए, ये चिकन गल गई है, ये देखें इसने ऑयल छोड़ दिया अपना, इसमें अब हम
तो अच्छे नहीं डालेंगे। हाफ प्याली इसमें आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं चने, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी। चने वैसे बॉयल हैं तो कोई मसला नहीं है, इसे आप बस थोड़ा सा भून लें ताकि मसाले में आ जाएगा चने। हमने तकरीबन 15 मिनट हमने चिकन को रखा था गलने के लिए, 15 मिनट में चिकन गल चुकी। हमने इसमें चने डाले, ये अब हम गरम मसाला डालेंगे इसमें, पिसावा गरम मसाला पाउडर। इसमें अब हम हरा धनिया डालेंगे, दो हरी मिर्ची डालेंगे, इसे हम मिक्स करेंगे चिकन। अच्छा इसमें आप थोड़ा सा केवड़ा भी डाल सकते हैं, चंद कतरे डालकर में केवड़े के डाल लें, उससे खुशबू बहुत अच्छी लगती है। हमने केवड़े के डालने हैं लेकिन ये लाजमी नहीं है, ये आप डाल के इसको फौरन से बेलचू को ढक दीजिए। चूल्हा बंद कर दीजिएगा। कितना अच्छा कलर आया है देखें आप, इसको हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको पसंद आ गई होगी, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।